आइए आइए भैया, बहुत दिनों बाद आए आप। रोजे तो पहुंचे रहते हैं घर पे। बेटा इतने से थे तब देखा था, कितने बड़े हो गए हो। मैं तो आपकी तरह बौना ही रह जाऊं। अरे भाई साहब, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें क्या उनसे क्या। अंकल जी, इससे ये पता चलता है कि आप हम लोग से प्रेम नहीं करते, आप सिर्फ अपनी नमकीन पेलने आते हैं यहाँ। और वो भी कब आते हैं जब आंटी जी आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। बेटा इतना भी सच नहीं बोलना था। बहुत ज़्यादा दांत दिखा रहे हैं। फिर दिखा है। वैसे तो मैं आप लोगों से मिलने आया था। आपका एहसान। अरे भाई साहब, आप भी क्या। अरे बेटा, अंकल से पूछो क्या खाएंगे। जी पापा। जी अंकल, खा के आए हैं कि जाके खाएंगे। चाय से याद आया, चाय बहुत अच्छी थी। कौन सी वाली अच्छी लगी चाय आपको? ये तो आपकी 8वीं चाय है। नमकीन दूँ? राक्षस है ये, राक्षस, दैत्य, दानव, कैसा पैदा किए हैं। अरे बेटा ये सब छोड़ो, पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई, मेरा खून, मेरा घर, मेरे मन, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरा मुंह, मेरी आंख, सब कुछ मेरा, तो आपको क्या। चलिए मैं चलता हूँ, अब मुझे चलना चाहिए लगता है। अरे अरे अंकल, कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक कप चाय और आपको बना के देना है, दूध में हमारे बाप की फैक्ट्री है। अब अपने मौसा मौसी, सास सासी, बुआ चाची सबको लेके आइए, सबको मैं चाय बना के दूंगा। एक्चुअली हमारे बाप की फैक्ट्री है ना दूध में, आप चिंता मत करिए, हम रोज देंगे। जा कहाँ रहे हैं आप, रुकिए तो मैं बता दूँ।